मंदसौर नगर पालिका सफाई कर्मचारी नगर पालिका के तानाशाह अधिकारी के रवैये के खिलाफ अपने परिवार सहित बैठा धरने पर। मंदसौर नगर पालिका में इन दिनों स्वास्थ्य अधिकारी हेमचंद शर्मा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ चार बच्चों के साथ एवं अपनी पत्नी के साथ नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका गेट पर ही धरने पर बैठ गया, क्योंकि 6 महीने से अधिक हो चुके थे और इसे नौकरी से निकाला गया है और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा था और उस दौरान उनकी काफी तबीयत खराब थी और खुद का स्वास्थ्य खराब था, पर जवाबदारों ने इस तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं देते हुए कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। लगातार नगर पालिका के कई कर्मचारी स्वास्थ्य अधिकारी हेमचंद शर्मा से प्रताड़ित हो चुके हैं, तभी जुबान में उनका विरोध भी करते हैं, खुलकर इसलिए सामने नहीं आते कि उन्हें भी नौकरी से नहीं निकाल दें। 3 बच्चियों सहित 1 बच्चा एवं नगर पालिका कर्मचारी की धर्मपत्नी धरने पर बैठी है। नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी हेमचंद शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि व्यक्ति आए दिन छुट्टी रखता है, जिससे मंदसौर शहर की सफाई व्यवस्था में काफी तरह की परेशानी होती है और इसे नोटिस भी भेजा गया था पर कोई जवाब नहीं दिया, इसी कारण से नौकरी से निकाला गया है। अब देखना यही होगा कि यह कर्मचारी की कोई सुनवाई होती है या नहीं, या इसी तरह से अपने मासूम बच्चों के साथ धरने पर बैठा रहेगा। मैं सब धरने पर इसलिए बैठा हूँ, मैं सिफर हूँ और शर्मा जी द्वारा करा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मैं शर्मा जी के और सारे नगर पालिका अधिकारी को मैं हाथ पल्ले जोड़ने जाता हूँ, तो शर्मा जी बोलते हैं कि यहाँ से गेट बार हो जा और तेरे को स्टाम्प के ऊपर रखा गया था और स्टाम्प की अवधि समाप्त हो चुकी है और तेरे को कहीं नहीं रखा जाएगा। इसलिए मैं पिछले छः महीने से मैं घर पर बैठा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे बच्चों का पालन पोषण पर असमर्थ हूँ और मेरे बूढ़े माता पिता उनका भी पालन पोषण में असमर्थ हूँ और मेरी तबीयत खराब, मेरे परिवार में तबीयत खराब होने के कारण मैं अनुमित ड्यूटी पर नहीं आ सका, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। करीब 6 महीना उससे ज़्यादा है लगभग, पर मैं 6 महीने की याद है, बड़ी नवरात्रि की बात। घर कैसे चला रहा है? घर की स्थिति ऐसी है, घर मतलब मान के चलो मिसेस है, वो 3000 रुपये कमाती है, उसमें गुजारा करता हूँ। शर्मा जी ने तो पैसे ऐसे की मांग करके नौकरी पे लगा दूँगा आपको? अभी तक तो ऐसा कुछ ही कहानी है, पर यह है धमकियाँ आई जा रही मेरे पास है। क्या बोले कि उसको नौकरी पे नहीं रखेंगे और वो जिधर जाए उधर कोशिश कर ले, उसका दम नहीं चलेगा। कौन है शर्मा जी, कौन है? यहाँ के हैंडल अधिकारी है। ये संविदा शर्तों के अनुसार कार्य पर रखे गए थे, इस पे जो कर्मचारी कार्य पर नहीं आते हैं उनको नोटिस भी जारी किया गया। ये महीने से 1 महीने से बिना सूचना दिए हुए कार्य पर उपस्थित नहीं हुए, सूचना पत्र भी दिया गया तो ये मिले ही नहीं कार्य पर, कहाँ पर रहते हैं पता नहीं, और उसके बाद जो है फिर कार्य पर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और संविदा शर्तों में है कि भाई कार्य से बंद कर सकते हैं उसको, इसलिए उनको कार्य से बंद कर दिया गया। नहीं दिया, नोटिस भी दिया है और मिले ही नहीं, ये कार्यस्थल पर ही मतलब शहर में ही उपस्थित नहीं थे, कहाँ के रहने वाले पता नहीं उसको।